क्या देखा? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा दो कुएं पास पास में है, एक में पानी भरा है, एक खाली है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन ये चिंता का विषय नहीं है, अब कलयुग आ गया है, ये कलयुग का दर्शन करा रहा है। दो कुआं मतलब दो कुएं पास पास में है, एक में पानी एक खाली, मतलब कलयुग में एक भाई के पास बहुत संपदा होगी और दूसरा भाई कंगाल होगा। अर्जुन ने कहा, मैंने और विस्मय देखा, एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और आज तक मैंने देखा था कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज देखा कि गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा, अर्जुन कलयुग का दर्शन है, माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी और सर्विस कराकर खुद खाएंगे, मतलब गाय बच्चिया का दूध पिएंगे। अर्जुन ने कहा, मैंने एक विस्मय और देखा, हाथी के दो मुख थे, दोनों मुख से भोजन कर रहा था, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। अर्जुन चिंता मत कर, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो काम होंगे, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, एक एक व्यक्ति की दो दो व्यापार होंगे, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, घर खाली की खाली रहेगा। अर्जुन ने कहा, मैंने एक विस्मय और देखी, एक बड़ा गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया, वो क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये कलयुग रूपी पत्थर जब जड़ कर आएगा ना, सारे धर्म और शास्त्रों को गिरा देगा, केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने में। अर्जुन शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि कलयुग में शिव युग आ रहा है। कौन सा युग है? शिव युग। कलयुग में शिव युग है, बड़े बड़े ये कलयुग जब आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्र ना जाने कितनों कितनों को गिराते गिराते जाएगा, तब एक शिव महापुराण रूपी छोटा सा तिनका शंकर की कथा शिव पुराण इस कलयुग को रोकने का काम करती है। इसलिए गांव गांव नगर नगर शहर शहर में आज शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले हरिद्वार उज्जैन प्रयागराज नासिक यहाँ पर कुंभ लगा था, आज के समय में इस शिव महापुराण की कथा का ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ की, जहाँ कथा हो वहाँ वहाँ मुझे सुनना जा रहा प्रत्येक मेरे ओघड़दानी को पहचानो, मेरे शमशेर को पहचानो, मेरे शमशेर को पहचानो। Thank you.
शिवाय नमस्तुभ्यम में मेरे शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय रिद्धि सिद्धि जया विश्वहरा श्यामली बारी दौतली देव अशुभ सुंदरी शिव के नंदी और सा तुम्हारे रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में विराज। हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो गीता अमृत गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसके विदेश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारे दुख मिट जाते हैं। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है, हमें पढ़ना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, हम उसे पढ़े और उसमें पढ़ने पर हमें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। दरवाजे पर उठाओ चंदन का कोट, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में, उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहाँ एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रो दिया। वो घास का तिनका कलियों को रोकने के लिए भगवान कृष्ण करते हैं, हे अर्जुन ये बड़े सारे कलियों को आने से रोकने के लिए केवल शिव महापुराण ऐसी है जो कलियों की आगे नहीं बढ़ने देती है, वही वही गिरा दिलाती है। शिव युग आया एक मंत्र, कलम उठाना दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बुरा हो रहा है ना कलम से, तो थोड़ी देर कलम को पटक पटक बाद में लिख लिखा, बाद में फाइन साइन बाद में करूंगा। राष्ट्र हित की बात है, किसी के हित की बात है, दुनिया के हित की बात है तो कलम से साइन तुरंत करो, पर अगर राष्ट्र हित की बात नहीं, दुनिया के हित की बात नहीं, केवल अपने हित की बात चल रही है तो कलम को थोड़ी देर रख दो। बाद में पैर में पांव में ही क्यों रख रहे हैं,
लोग सिर पांव में इसलिए रखते हैं क्योंकि पांव जमीन पर रहते हैं, जो जमीन से जुड़कर आगे बढ़ता है दुनिया में वही नाम करता है, उसी को शीश झुकता है। जो हवा में टंगे रहते हैं, हाथ हवा में टंगा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करता, कोई दुनिया का बेटे।
काशी जाओ, मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब से तुम फिरियो एकांत में बैठ गए, मोबाइल थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ। काशी मुझे जाना है, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना, नाऊ की नाऊ की जरूर एक सास एक बहू दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया, जी जी काशी चल। तो जी जी सास साहब बोला, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं अपन सब सब बुजुर्ग बुजुर्ग जा रहे हैं, तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं चाहिए। सास से मना कर दिया भाई ने। बहू की आंखें जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा, माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आप ले जा रहे हैं तो हम चल चल। सास चली गई, बहू को गले लगाया, गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठ गई, बैठ बैठे से बड़े प्रेम के साथ जब चली गई गंगा नहाने आने लगे। काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन दोनों गंगा नहा रहे हैं। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया, आज मेरी सास सुबह गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया ये बर्तन, उसमें डाल दिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल जल और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठ कर, बर्तन के अंदर बैठ कर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई, मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली, गंगा मैया हे विश्वनाथ, मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर कदम से चलकर गंगा तट पहुंची है, मैं मन से गंगा तट पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास बहा नहा रही, अंगूठी चली गई, सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाने से देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा, यह अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, यह अंगूठी तेरे पास कैसे आई। बहू ने कहा, माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया, तो उस बर्तन के अंदर मुझे यह अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाले का भी मन से गंगा स्नान कभी पुण्य प्राप्त हो जाए। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए, तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया, तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहाँ दी। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है, वैसे पंडालों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आई। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूँ, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है, और मेरा मन कहता है कि मैं जिस जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूँ, मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है तो अंदर है, देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है, देखने से काम जाग रहा है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया, मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाना काम जाया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा। अपने मन से बसो ना,
दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारे मन, हमें 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 तो कथा कई लोग ऐसे आते हैं कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय का वजह से हाल का टाइम बर्बाद बर्बाद करते रहो। जाओ जाओ आओ आओ। और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, क्या कुत्ता कुत्ता बोलते कुत्ता। तुम्हारा मन मरे पर इतना जरूरी याद रखना, अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था, पितामह बैठे बैठे देखते रहे। अन्न का सर जैसा पिया दूध वैसा बन गया पुत्र, बुद्धि दूध से बनती है। इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल बनोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली बनोगे। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे। गौ माता के दूध का कान कर विचार मन 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 शुद्ध बनाने का प्रयास करिए, और जब जब मन मन शुद्ध हो जाएगा तो शिव तत्व अवश्य। अभिमन्यु के
प्राण छूट रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु प्राण छोड़ रहा है, सामने कर्ण खड़ा है, वहीं पर थोड़ा सा पानी का छाजल छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी जिसमें पानी भरा होता था, तो वो पड़ पड़ अभिमन्यु मरमन मरते कह रहा है राजा कर्ण से, मुझको वो पानी पड़ा है थोड़ा सा पिला दीजिए, जल पड़ा है थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दो मुझे, मेरे प्राण छूट रहे हैं, वो पानी मुझे दे दो, वो पानी मुझे दे दो, कहता कहता अभिमन्यु मांगता रहा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद पानी अभिमन्यु को नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने विचार करा कि मैंने तो इसको मौका दिया था कि कम से कम पानी का दान दे दे तो तेरे लिए काम आएगा, प्यासे को पानी पिला दे, आगे बढ़कर क्या चाहिए दे दो। आखिरी में अभिमन्यु मर गया, और आप सब जानते हो महाभारत के चरित्र को कि कर्ण के प्राण प्राण छूटे हैं। युद्ध के मैदान में जो छाजल पड़ी थी उसका पानी जमीन पर गिर गया था, कर्ण रथ को भगा रहा था पीछे हटाने के लिए, पहिया फंस गया उसी कीचड़ में जो पानी नहीं मिला पाया था, और उसी में फंसा और वहीं पर राजा कर्ण के प्राण छूट चुके हैं। क्या हुआ? मरा राजा कर्ण गया ऊपर, कुंती को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कुंती ने उसको रोक कर रखा, उसकी बॉडी उसका शरीर सब उसकी रक्षा कर, मेरा बेटा है इसका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर से करवाऊंगा। अर्जुन नकुल सहदेव से करवाऊंगा। बड़ा बड़ा गया कर्ण आत्मा जीवन जीवन गई गई, जाते से पूछा क्या करा इसने, खूब सोने का दान दिया है, स्वर्ण दान दिया, स्वर्ण दान दिया, तो एक काम करो सोने की पुड़ी, सोने का चावल, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा खाने को दिया, सोने का पानी पीने को दिया। राजा कर्ण तड़पने लगा कि मुझे पीने का पानी तो दे दो। धर्मराज बोले तूने जमीन पर जाने पर भी पानी का दान नहीं दिया, वो अभिमन्यु मर जाता और आस रखता है कि तुझे पानी पिला दे, आस रखता है तू पानी पिला दे। क्षमा मांगने लगा राजा कर्ण, मुझे क्षमा कर दो, कुछ दिन दे दो मैं अन्न का दान करूंगा, थोड़े दिन दे दो मैं अन्न का दान करूंगा। कह दिया ठीक है, इतना विलख रहा है तो पृथ्वी पर जा, तेरे पृथ्वी पर जाकर तेरे जीवन मान के द्वारा जाकर 16 दिन तुझे दिए हैं श्राद्ध के, उन 16 दिन में जो जो जितना अपना अन्न का दान कर सकता है उतना कर, जितना। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए वापिस, 16 दिन तक अन्न का दान करते रहे, वो 16 दिन का अन्न राजा कर्ण को फिर खाने को, ये श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। एक अन्न का दाना भी अगर हम किसी को खिला रहे हैं तो उसका पुण्य है। आप किसी को पानी हम करें प्यासे ऐसे से पानी का पाउच खिला दो, दे दो पानी की बोतल, तो पानी की अगर दिया है तो उसका भी पुण्य है, भाग्यशाली हुआ सब सब पूरा काटापुरी की गांव धनतरी जिला और पूरे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी श्रोता भाई बहन, जिनका एक रुपया भी अगर सहयोग मिला है तो उसकी सहसा राय आप लोगों का करें और आप लोगों का आता है, देने वाले तो दे देते हैं पर भर्ज बनता है देने वाले।
लेगा कि उसने सही जगह लगाया है कि नहीं लगाया। सही जगह पर अगर लगाया होगा तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, नहीं लगाया होगा तो अगली दो कथाओं में सामने पूरा पर्चा आ जाता है कि गुरुदेव देव तकलीफ हो गई है, दुख हो गया, कष्ट। हर कथा में व्यक्ति फिर मिलता है तो कहे कि आंख से आंसू जल रहे हैं, तकलीफ है, तकलीफ। श्राद्ध पक्ष का एक अन्न का दाना भी श्राद्ध पक्ष का यहाँ तक शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अगर श्राद्ध का भोजन भी करता है तो उसको कायरी ज्यादा करना पड़ती है तब वो भोजन पचता है। देने वाले ने तो दे दिया साथ, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इकट्ठा कर लिया और अपने भोग में लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद। कभी मौका लगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, कभी मौका लगा तो एक बार सीहोर और कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। आकर अगर आंखों से देखो कि तुमने जो दान दिया है वहां पर रोज प्रतिदिन 25,000 से 50,000 आदमी रोज खाना खाता है, रोज भोजन करता है तो वो सही जगह लग रहा है। तुम्हारा दान श्रेष्ठ जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा? कभी विचार करते हैं, कभी सोचिए। शिव महापुराण की इतनी कथा करते 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 ये समय हो गया, 25 साल निकल गए। कोई कोई कह दे कि सीहोर वाला महाराज के खाते में चवनी भी लेता, कभी कह दे देते होगे तो यहाँ चैनल